आप सभी का स्वागत है पाठशाला विथ मिराज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ये सीटेट के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने तय होते हैं, फिक्स होता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम अनुवांशिकता और पर्यावरण से संबंधित पढ़ेंगे। इसे हम वृद्धि और विकास के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो पहले हम ये करेंगे कि अनुवांशिकता और पर्यावरण से संबंधित कुछ थ्योरी पढ़ लेंगे। 4 से 5 मिनट थ्योरी पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में, पिछले साल में जो भी सीटेट के सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टॉपिक क्या है हमारा, अनुवांशिकता और पर्यावरण। एक शब्द है अनुवांशिकता और एक शब्द है पर्यावरण। अनुवांशिकता क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, और पर्यावरण क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, एक शब्द मेरा क्या है, एक शब्द मेरा है अनुवांशिकता और एक शब्द है पर्यावरण। तो अनुवांशिकता का मतलब होता है कि अनुवांशिकता एक प्रक्रिया है, अनुवांशिकता एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ लिखा गया है कि अनुवांशिकता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना अनुवांशिकता कहलाता है। तो अब बात, सवाल यहाँ पे ये आता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण कैसे गुण जाते हैं, किन गुणों का ट्रांसफ़र होता है। तो कहा यह गया कि जिन गुणों का ट्रांसफ़र होता है उन्हें हम अनुवांशिक गुण कहते हैं। ये वो गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आते हैं। जैसे कहा गया है, त्वचा का रंग, लड़का काला होगा कि गोरा होगा, सांवला होगा कि काला होगा, ये चीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ हमारे DNA से तय होती है, हमारे माता पिता पर डिपेंड करती है। और क्या कहा गया, चेहरे का बनावट कैसा होगा, फेस कटिंग कैसा होगा। इसके बाद क्या कहा गया, ऊंचाई को आप कह सकते हैं हाइट, बच्चा का जो हाइट होता है वो भी क्या होता है, अनुवांशिकता से संबंधित होता है, बच्चा छोटा होगा कि बच्चा लंबा होगा। कहने का मतलब ये है कि वैसे गुण जो माता पिता पे डिपेंड करते हैं, वैसे गुण जो माता पिता से प्राप्त DNA पे निर्भर करते हैं, उन्हें हम अनुवांशिक गुण कहते हैं। तो अनुवांशिकता क्या है भाई, अनुवांशिकता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण क्या होते हैं, बच्चों में जाते हैं। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए सवाल क्या करता है कि सवाल में जो आपसे पूछेगा तो अनुवांशिकता का अलग अलग नाम दे देगा आपको, अनुवांशिकता का अलग अलग आपको नाम दे देगा। तो अगर शब्द लिखता है वंशानुक्रम, क्या लिखता है सब, अगर शब्द लिखता है वंशानुक्रम, इसका भी मतलब क्या समझना है, इसका भी मतलब समझना है कि ये भी क्या है, अनुवांशिकता है। या अगर कहे प्रकृति, प्रकृति का अर्थ भी अनुवांशिकता होता है। बिल्कुल ठीक है, प्रकृति का अर्थ भी क्या होता है, अनुवांशिकता होता है। चलिए अब हम आते हैं पर्यावरण पे। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है भाई, तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कहा जाता है कि हमारे चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उन सब को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहा है, जैसे अब यहाँ आपके आपके सामने आपका फ़ोन है, आपके घर में कुछ लोग होंगे, आपका आपके टेबल पे आपकी कॉपी होगी, आपके हाथ में पेन होगा, ये सब चीज़ें पर्यावरण। तो हमारे आसपास की सारी चीज़ें, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो सब पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण का अन्य नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अलग अलग नाम से सवाल मिलेगा। पर्यावरण का नाम आसपास होता है, पास पड़ोस होता है, पोषण होता है, वातावरण होता है। एक बात याद रखना है कि अगर शब्द कहे पोषण, पोषण, इसका मतलब हुआ पर्यावरण। अगर शब्द कहे प्रकृति, अगर शब्द कहे प्रकृति, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अनुवांशिकता हुआ। इस बात को याद रखना है, प्रकृति का मतलब अनुवांशिकता समझना है और पोषण का मतलब पर्यावरण समझना है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा गया भाई, आगे कहा गया कि चूंकि जो चीज़ हमको माता पिता से मिला, जैसे DNA जो हमें प्राप्त हुआ, क्या हम DNA को बदल सकते हैं, क्या हम माता पिता से प्राप्त DNA को बदल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम अनुवांशिकता में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हम अनुवांशिकता को बदल नहीं सकते हैं। अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिकता स्थिर होता है। अनुवांशिकता क्या होता है भाई, अनुवांशिकता स्थिर होता है,
स्टैटिक होता है। जबकि पर्यावरण के बारे में क्या कहा गया, पर्यावरण के बारे में कहा गया कि पर्यावरण में हम परिवर्तन कर सकते हैं, पर्यावरण को हम बदल सकते हैं। आज हम यहाँ रह रहे हैं, कल कहीं और रह जाएंगे, तो हो गया हमारा पर्यावरण चेंज। अभी हम रूम में हैं, अभी हम बाहर निकल जाएंगे, हो जाएगा हमारा पर्यावरण चेंज। कहने का क्या मतलब है कि पर्यावरण में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि अनुवांशिकता को हम बदल नहीं सकते हैं, अनुवांशिकता में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण हमारा चर है, वेरिएबल है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो चर है, जबकि अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकता में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनुवांशिकता को अचर कहा जाता है। अब जो हम इतना देर से अनुवांशिकता और पर्यावरण पढ़ रहे थे, जरा विकास के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि विकास के बारे में कौन सी बातें कही गई अनुवांशिकता और पर्यावरण को शामिल करके। सवाल यहीं से आपके बनते हैं, क्या कहा गया, उड़वर्थ नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि बच्चा का जो विकास होता है, बच्चा का जो विकास होता है वो क्या होता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के गुणनफल के बराबर होता है। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अनुवांशिकता और गुणे पर्यावरण बराबर डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सवाल ये पूछे आपसे कि बच्चा का विकास किस पे निर्भर करेगा, बच्चा का विकास किस पे डिपेंड करेगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अनुवांशिकता पे, हम ये नहीं कहेंगे कि पर्यावरण पे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के परस्पर अंतःक्रिया पर डिपेंड करता है। क्या कहा गया भाई, बच्चा का जो विकास होता है, बच्चा का जो डेवलपमेंट होगा, ये क्या होगा, ये आपको अनुवांशिकता पे भी डिपेंड करेगा और आपको पर्यावरण पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। इसीलिए डेवलपमेंट बराबर क्या कहा गया, बच्चा का जो डेवलपमेंट होगा वो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करेगा और इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ऑप्शन ये कहता है कि बच्चा का विकास केवल अनुवांशिकता पर निर्भर करेगा तो वो ऑप्शन गलत होगा। अगर कोई ऑप्शन ये कहेगा कि बच्चा का विकास पर्यावरण पर डिपेंड करेगा, वो भी ऑप्शन गलत होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो ऑप्शन सही होगा जो ये बात कहेगा कि बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चा का जो विकास होता है, वो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर डिपेंड करता है। साथ ही आपको ये बात भी याद रखना है कि अनुवांशिकता को ही हम प्रकृति कहते हैं, पर्यावरण को पोषण कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक शब्द आपको पढ़ना है परिपक्वता। परिपक्वता क्या होता है, तो परिपक्वता क्या होता है भाई, परिपक्वता क्या होता है कि पूर्व से निर्धारित अनुवांशिक गुणों के प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। कहा यह गया कि बच्चा के जन्म के समय ही उसके डीएनए में सारे गुण मौजूद हैं, बच्चा के जन्म के समय ही उसके डीएनए में सारे गुण मौजूद हैं, सारे गुण उपस्थित हैं। अब ये जो गुण है, एक बाइक अचानक आपको नहीं दिख जाएंगे, ये क्या होंगे, ये जो गुण है, ये गुण आपको समय के साथ दिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जन्म के समय एक बच्चा का डीएनए में ये है कि उसका हाइट क्या होगा, 5.5 फीट होगा, तो वो बच्चा अचानक 5.5 फीट का नहीं दिखेगा, एक समय गुजरने के बाद 18, 20, 22 साल की उम्र में उसकी हाइट 5.5 फीट के आसपास होगी। तो कहा गया ये परिपक्वता क्या है, परिपक्वता है पुरुष निर्धारित अनुवांशिक गुण के प्रकट होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। अनुवांशिक गुण पहले से निर्धारित होते हैं और जो वो प्रकट होता है, तो उसको प्रकट होने का प्रोसेस, प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिपक्वता कहलाती है। अगर पूछा जाए सवाल आपसे कि परिपक्वता किससे संबंधित है, परिपक्वता जो मेचुरेशन है किससे संबंधित है, हेरिडिटी से संबंधित है या आपके इन्वायरमेंट से संबंधित है, आप कहेंगे कि जो परिपक्वता होती है वो किससे संबंधित होती है, वो आपकी अनुवांशिकता से संबंधित होती है। क्या कहा गया, कहा गया कि जो परिपक्वता है, जो क्या, जो परिपक्वता है वो किसके साथ संबंधित है, वो अनुवांशिकता के साथ संबंधित है, अनुवांशिकता के साथ संबंधित है, हेरिडिटी के साथ संबंधित है। बिल्कुल, एक और स्टेटमेंट दिया गया यहाँ पे कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ जल्दी परिपक्व होती है। बिल्कुल सही बात है। आमतौर पर कहा जाता है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो 11 से 12 साल में उनके अंदर परिपक्वता मैच्योरिटी आ जाती है, अगर हम यौन परिपक्वता की बात करें तो, जबकि लड़कों में 13 से 14 साल में आती है। तो क्या कहा गया, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जल्दी परिपक्व होती हैं।
तो ये था मोटा मोटी पूरा का पूरा अनुवांशिकता और पर्यावरण का थ्योरी। ठीक है, क्या क्या मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि अनुवांशिकता क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का जाना अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अनुवांशिकता का दूसरा नाम क्या है, अनुवांशिकता का दूसरा नाम है प्रकृति, अनुवांशिकता का दूसरा नाम है वंशानुक्रम। बिल्कुल, जैसे अनुवांशिकता से कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होगी, तो हमारा स्किन का कलर, त्वचा का रंग काला होंगे कि गोरे होंगे ये प्रभावित होगा, चेहरे का बनावट, फेस कटिंग ये भी अनुवांशिकता से तय होता है, माता पिता के डीएनए से तय होता है, हमारी आँखों का क्या कलर होगा, ब्लू आँखें होगी या काली आँखें होंगी या बिल्ली जैसी आँखें होंगी, ये सब चीज़ें हमारे अनुवांशिकता के द्वारा तय होती है। बिल्कुल, हमारा हाइट कितना होगा, ये सब चीज़ें हमारे माता पिता से मिलने वाले जीन, माता पिता से मिलने वाले डीएनए यानी कि अनुवांशिकता के द्वारा तय होता है। ये याद रखना है कि अनुवांशिकता का दूसरा नाम प्रकृति है जबकि पर्यावरण का दूसरा नाम पोषण है। आइए अब सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या है भाई, पहला सवाल है मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आपको मानव के विकास के को ध्यान में रख के ये चारों कथन पढ़ना है, और चारों कथन पढ़ के क्या करना है, ये बताना है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सी बात कही गई है। इस सवाल में चार बातें कही गई है, चार में तीन बातें गलत है और एक बात सही है। आपको क्या करना है, सही वाली बात को ढूंढना है, कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता है। मतलब कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से विभिन्न है, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से अलग है, इसका कारण क्या है, एकमात्र कारण अनुवांशिकता है। बिल्कुल गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसने अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग होने का कारण अनुवांशिकता को माना है, जबकि होता क्या है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा व्यक्ति का विकास होता है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मतलब जो परिवेश का प्रभाव है, परिवेश मतलब जो आसपास का प्रभाव है, जो पर्यावरण का प्रभाव है, वह एक व्यक्ति के विकास को कम्प्लीटली निर्धारित करेगा। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी ने बोला है कि बच्चा के विकास में केवल और केवल पर्यावरण की भूमिका होती है, जबकि ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है मानव विकास को न तो अनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी क्या कह रहा है कि मानव के विकास को न तो अनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि बोला है प्रभावित करते हैं, न तो अनुवांशिकता न ही पर्यावरण, जबकि सच क्या है, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर प्रभावित करते हैं। अब ये वाली बात ऑप्शन डी में लिखा है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों को एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक साथ मिलके एक साथ पारस्परिक रूप से मानव विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला का हो जाएगा डी, बाकी सब क्या है, बाकी सब गलत है। पहला का क्या हो गया, डी। क्यों हुआ, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ये कहा गया है कि बच्चा का जो विकास होता है, मानव का जो विकास होता है, वो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया, आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा, सीटेट दिसंबर 2018 के पेपर वन में पूछा हुआ सवाल है, पढ़ते हैं इसको। क्या कहता है सवाल, कहता है कि क्वेश्चन नंबर दो पढ़ना है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चार कथन दिए गए हैं, चारों कथन को पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में सही कहा गया है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन लिखा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो पर्यावरण है वह केवल बच्चा के भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल नहीं, बच्चा के पर्यावरण जो होता है, बच्चा के भाषा के विकास में, बच्चा के शारीरिक विकास में, बच्चा के नैतिक विकास में, बच्चा के मानसिक विकास में, बच्चा के सामाजिक विकास में, हर विकास में, विकास के अलग अलग सभी आयामों में भूमिका अदा करता है। ये कहना कि केवल भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये पूरी तरह से गलत है। पहला ऑप्शन क्या हो गया,
पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे क्या कहा गया, ऑप्शन सी पढ़ते हैं भाई। ऑप्शन सी क्या लिखा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। मतलब कोई बच्चा जो सीख रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो उसकी क्षमता जीन के द्वारा, क्रोमोजोम के द्वारा, डीएनए के द्वारा निर्धारित होता है। यानी ये वाला ऑप्शन केवल और केवल अनुवांशिकता का बात किया है। इसमें कहा है कि बच्चा की जो क्षमता है वो केवल जीन के द्वारा, जीन का मतलब क्या है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जीन क्या होता है, डीएनए का पार्ट होता है, और ये सब चीज़ें तो अनुवांशिकता से संबंधित है। मतलब सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की जो क्षमता है वो अनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होती है, जबकि ये बात गलत है। सही क्या होता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण क्या, दोनों के द्वारा तय होता है। वहीं डी क्या कहा गया, डी कहा गया कि अच्छा देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ये भी ऑप्शन गलत है। अगर बच्चा को कोई जन्मजात विकार है तो केवल अच्छा आहार या पौष्टिक आहार या केवल अच्छी देखभाल से उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा के विकास में दो चीज़ें काम करती हैं, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार, दोनों चीज़ पर्यावरण है। जबकि बच्चा के विकास में पर्यावरण और अनुवांशिकता दोनों काम करेगी। तो ऑप्शन ए भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। अब जरा देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन बी क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता तो कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सही बात है, विकास के जो कुछ पहलू होते हैं वो अनुवांशिकता के द्वारा निर्धारित होते हैं, अनुवांशिकता के द्वारा प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ पहलू जो होते हैं पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, और सही कौन सा है, तो सही है बी। दूसरा का कौन सा हुआ, बी हुआ। आइए क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं। तीन क्या लिखा हुआ है, बच्चे का विकास क्या है, परिणाम है। बच्चे का विकास परिणाम है। सवाल पूछा है कि बच्चे का विकास परिणाम है, किस चीज़ का परिणाम होगा भाई, पालन पोषण का। पालन पोषण को हम कहते हैं पर्यावरण, पालन भी पर्यावरण, पोषण भी पर्यावरण। यह गलत हो गया। आप जानते हैं कि बच्चा का विकास जो परिणाम होता है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण के गुणनफल का होता है। उसमें अनुवांशिकता की भी भूमिका होगी और पर्यावरण की भी भूमिका होगी। पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी लिखा है पर्यावरण, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी लिखा है अनुवांशिकता, बिल्कुल गलत। केवल अनुवांशिकता नहीं होगा, केवल पर्यावरण नहीं होगा, क्या होगा, अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। चार कहा गया एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, जो नित्य प्रशिक्षण भी देते हैं, नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। सवाल ये बोला है कि एक 6 साल की लड़की है, वो खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। मतलब नॉर्मल नहीं, एवरेज नहीं, एवरेज से अलग, एवरेज से हटके असाधारण योग्यता का बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। आगे क्या कहा गया कि उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं और वो क्या करते हैं, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को डेली नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह के अंत में खुद से क्या करते हैं, खुद से उसे प्रशिक्षण देते भी हैं। अब आप बताइए कि जो बच्चे का ये विकास का परिणाम होगा किस चीज़ का परिणाम होगा। पहला ऑप्शन क्या, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, नहीं। हम जानते हैं कि बच्चा का जो विकास होता है, वो जो बच्चा का डेवलपमेंट होता है, वो हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट के वजह से होता है। अनुशासन और पौष्टिकता, बिल्कुल नहीं। वृद्धि और विकास, बिल्कुल नहीं। तो होगा कौन, अनुवांशिकता और पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ए भी गलत, बी भी गलत, डी भी गलत, तो सही कौन हुआ, सी हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या कहा गया देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, प्रकृति से क्या अर्थ है। हमने आपसे कुछ देर पहले थ्योरी में पढ़ाया था कि प्रकृति का मतलब अनुवांशिकता समझना है, प्रकृति का मतलब अनुवांशिकता समझना है। ठीक है, तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का अर्थ पूछा है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, हमारे आसपास का वातावरण, बिल्कुल नहीं। जब पोषण कहेगा तब उसका मतलब हुआ वातावरण। भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, ये भी पर्यावरण है, ये भी वातावरण है। जबकि प्रकृति का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है, अनुवांशिकता होता है। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, बिल्कुल नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। मतलब वंशानुक्रम सूचनाएं का मतलब क्या हुआ, जैविकीय विशिष्टताएं का मतलब क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला, यही तो कहता है प्रकृति। प्रकृति का क्या अर्थ है, अनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सब ऑप्शन क्या है, बाकी सब ऑप्शन गलत है इस सवाल के हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं, क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर छः में, क्वेश्चन नंबर छः में क्या कहा गया देखते हैं जरा इस बात को। कहा गया क्वेश्चन नंबर छः में, क्या बच्चा इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुमानसिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है, सवाल ये पूछा है। दो बातें इसमें आई हैं, एक बात आया है कि बच्चा इसलिए भाषा अर्जित करता है क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की मूल प्रवृत्ति होती है, यहाँ अनुवांशिकता का बात आया। और यहाँ क्या हुआ, उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, तो माता पिता उन्हें क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सिखाने की बात पर्यावरण हो गई, तो इसमें अनुवांशिकता भी आ गया और पर्यावरण भी आ गया। अब दोनों बात में डिस्कशन चल रहा है कि अनुवांशिकता की भूमिका है कि सिखाने की भूमिका है, पर्यावरण की भूमिका है, यानी कि ये सवाल क्या है, ये सवाल एक बहस का रूप लिया है कि अनुवांशिकता होगा कि पर्यावरण होगा। तो क्या करना है, ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है प्रकृति और पोषण पर बहस। प्रकृति का मतलब अनुवांशिकता और पोषण का मतलब पर्यावरण। इस सवाल में प्रकृति और पोषण पर बहस हो रही है, अनुवांशिकता और पर्यावरण पर बहस हो रही है, इसलिए इस सवाल का क्या जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर सात में कहा गया कि आर्जो तर्क देता है। आर्जो एक लड़का है, वो क्या करता है, तर्क देता है। भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। नैसर्गिक मतलब, नैसर्गिक का मतलब होता है कि जो जन्म के साथ पाई जाए, जन्म के साथ मिलने वाली क्षमताओं को नैसर्गिक कहते हैं, इननेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या कहा गया, कहा गया कि आर्जो तर्क देता है, भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो ने कहा कि नैसर्गिक प्रवृत्ति है, यानी कि अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, जन्म के साथ मिला हुआ है। आर्जो कह रहा है कि जो भाषा का विकास है वो अनुवांशिकता से प्रभावित है, जबकि सोनाली कह रही है नहीं, अनुवांशिकता से नहीं, परिवेश से प्रभावित होता है, यानी कि सोनाली कह रही है कि पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो सवाल पूछा है कि आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। सिंपल बात है, एक आर्जो कह रहा है कि अनुवांशिकता से है, सोनाली कह रही है कि पर्यावरण से है, यानी कि यह किस चीज़ के बारे में है, यह बारे में है अनुवांशिकता और पर्यावरण के विवाद के बारे में। ये बात आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। प्रकृति का मतलब होता है अनुवांशिकता और पालन पोषण का अर्थ है पर्यावरण। ये क्या हो रहा है इस सवाल में, प्रकृति पे और पालन पोषण पे, पर्यावरण पे विवाद हो रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, क्या कहा गया आठ में, आठ में क्या कहा गया, आठ में कहा गया प्रकृति पालन पोषण, प्रकृति पालन पोषण, प्रकृति का अर्थ अनुवांशिकता और पालन पोषण का अर्थ पर्यावरण। वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। चार कथन दिए गए हैं और चारों कथन पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के बारे में कह रहा है, प्रकृति और पालन पोषण दोनों के बारे में कह रहा है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या लिखा है, पहला ऑप्शन लिखा है कि एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। पहला जो ऑप्शन है वो परिवेश की बात कर रहा है कि हम पर्यावरण के द्वारा, परिवेश के द्वारा बच्चा को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। क्या हो गया, गलत हो गया। बच्चा का जो विकास होता है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की वजह से होता है। तो केवल ये बात कहना कि परिवेश के द्वारा हम तय कर सकते हैं कि बच्चा क्या होगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये बात गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है कि बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। मतलब इसने अनुवांशिकता को महत्व दिया और परिवेश को महत्व नहीं दिया। इसने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, मतलब इसे परिवेश को महत्व नहीं दे रहा है। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत है भाई, क्योंकि ये केवल अनुवांशिकता को भूमिका दे रहा है, अनुवांशिकता को महत्व दे रहा है, पर्यावरण को महत्व नहीं दे रहा है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया।
सी ऑप्शन क्या लिखा है, सी ऑप्शन लिखा है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। इसने कहा कि पर्यावरण की भूमिका कम होती है और अनुवांशिकता की भूमिका ज़्यादा होती है। ये बात कहना गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये तय नहीं है कि पर्यावरण की भूमिका कम कि अनुवांशिकता की भूमिका कम। किसी किसी चीज़ में पर्यावरण की भूमिका ज़्यादा हो जाती है तो किसी किसी चीज़ में अनुवांशिकता की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात कहना गलत है पर्यावरण की भूमिका ज़्यादा है कि अनुवांशिकता की भूमिका ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। आगे क्या कहा गया ऑप्शन नंबर डी में, तो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे में गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये सही बात है, वंशानुक्रम और परिवेश जो है, अनुवांशिकता और आसपास जो है, वो एक दूसरे में गुथा हुआ है। जैसे क्या होता है कि आटा और पानी एक दूसरे में गुथा हुआ है, वैसे ही पर्यावरण और अनुवांशिकता दोनों एक दूसरे में गुथा हुआ है और इन दोनों की वजह से बच्चा का विकास होता है। उडवर्थ भी यही कहते हैं कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट विकास बराबर पर्यावरण गुणे क्या अनुवांशिकता, ये कह रहे वुडवर्थ। यानी कि बच्चा का जो विकास प्रभावित होगा वो दोनों से होगा, इसलिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहा, अगला सवाल कहा कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण जो विवाद है किससे संबंधित है? आप जानते हैं प्रकृति का अर्थ अनुवांशिकता होता है और पोषण का अर्थ पर्यावरण होता है। तो सवाल यही पूछा है कि प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित है। सबसे पहले डी पढ़ते हैं, वातावरण और पालन पोषण, नहीं, वातावरण भी पर्यावरण ही है, पालन पोषण भी पर्यावरण ही है, गलत हो गया। वातावरण और जीव विज्ञान फालतू बात है, बिल्कुल बकैती किया है, गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या लिखा है, वातावरण और व्यवहार, गलत बात है। ऑप्शन नंबर एक सही, एक में क्या कहा है, अनुवांशिकता और वातावरण। प्रकृति का मतलब अनुवांशिकता होता है और पोषण का मतलब वातावरण होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। आप बच्चा के विकास को ध्यान में रख के अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में आपको बात करना है, अनुवांशिकता और वातावरण के बारे में आपको बात करना है और पढ़ के बताना है कि कौन सी बात सही है। ठीक है, देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन लिखा है कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देती है, गलत है, गलत है, गलत है। ये कहा गया है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण प्रभावित करता है, ये कहा गया है कि अनुवांशिकता और पर्यावरण प्रभावित करता है, ये नहीं कहा गया है कि वो 50-50 मतलब आधा आधा योगदान देगा। हमने कहा आपसे किसी न किसी किसी चीज़ में अनुवांशिकता की भूमिका ज़्यादा हो जाएगी और किसी किसी चीज़ में आपकी पर्यावरण की भूमिका ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा गया कि समवयस्कों और पितरेक जीनस का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। देखते हैं इसको आगे देखते हैं ये क्या होगा। चलिए अगला पढ़िए, सी क्या लिखा है, सी लिखा है अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, गलत बात है। पहला भी गलत, सी भी गलत, अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित होते हैं, एक साथ ही तो होते हैं, तभी तो बच्चा का विकास होता है। ठीक है, डी क्या लिखा है, डी लिखा है कि सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है, गलत बात, गलत बात। बच्चा के वास्तविक डेवलपमेंट के लिए, वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों जरूरी है। ये बात कहना कि बच्चा के वास्तविक डेवलपमेंट के लिए, वास्तविक विकास के लिए केवल अनुवांशिकता जरूरी है, ये बात क्या हो जाएगा, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब जरा बी को पढ़ते हैं, बी क्या कहा है, बी बोला है कि समवयस्क को, जो समवयस्क का मतलब आपके साथ रहने वाला दोस्त, आपके एज का दोस्त, वो क्या हो गया, समवयस्क हो गया, और आपके साथ रहने वाला दोस्त आपका क्या है, आपका पर्यावरण है आपका। ठीक है, क्या कहा गया आगे, समवयस्क और पितरेक जीनस, पितरेक जीनस का मतलब क्या हुआ कि आपके माता पिता से मिलने वाले जीन, माता पिता से मिलने वाले डीएनए, ये क्या हो गया, ये आपका अनुवांशिकता हो गया, ये आपका अनुवांशिकता हो गया, अनुवांशिकता हो गया। ठीक है, क्या कहा गया कि समवयस्कों और पितरेक जीनक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, मतलब जोड़ नहीं होता है, योगात्मक नहीं होता है। सही बात है, डेवलपमेंट बराबर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हेरिडिटी गुणे इन्वायरमेंट, पर्यावरण
पर्यावरण गुणे अनुवांशिकता या अनुवांशिकता गुणे पर्यावरण, ये योग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर प्लस होता तो हम कह देते कि योगात्मक होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे गुणा है, इसलिए क्या कहेंगे कि योगात्मक नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन क्या है, बी सही है। ऑप्शन क्या है, बी सही है। बाकी सब ऑप्शन क्या हो गया, बाकी सब ऑप्शन गलत है। ए भी गलत है, बी भी, सी भी गलत है, डी भी गलत है, केवल और केवल बी सही है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या कहा है देखते हैं। 11 कहा है, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से अनुमानसिकता संबंधी कारक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन पढ़ के आपको बताना है कि कौन सी चीज़ है जो अनुमानसिकता से प्रभावित होगी। अनुमानसिकता मतलब माता पिता के मिलने वाले डीएनए से प्रभावित होगी, माता पिता से मिलने वाले जीन से प्रभावित होगी। एक एक करके देखते हैं। पहला लिखा है चिंतन पैटर्न, ऑप्शन डी क्या लिखा है भाई, चिंतन पैटर्न, आप सोचते कैसे हैं, ये अनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होती है, गलत ऑप्शन है। फिर क्या लिखा है, समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति अभिवृत्ति, आप अपने दोस्तों के प्रति किस प्रकार का अभिवृत्ति दिखाते हैं, किस प्रकार का एटीट्यूड दिखाते हैं, किस प्रकार का रवैया दिखाते हैं, ये अनुवांशिकता तय नहीं करता। सवाल पूछा है कि डीएनए से कौन प्रभावित होगा, अनुवांशिकता से कौन प्रभावित होगा, तो डी भी गलत है, सी भी गलत है। आगे क्या कहा है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारीता, मतलब आप समाज में कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय हैं, क्या ये माता पिता के डीएनए से तय होता है कि हम समाज में कितना एक्टिव रहेंगे, नहीं, ये भी क्या है, गलत है। तो बी भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत, होगा कौन आंसर, होगा आंसर ए। ये क्या कहा है, आँखों का रंग, बिल्कुल सही बात है। हमारी आँखों का रंग क्या होगा, हमारी आँखें ब्लू होंगी या ब्लैक होंगी, ये चीज़ें तय होती हैं हमारे माता पिता से मिलने वाले डीएनए से, मतलब अनुवांशिकता से संबंधित होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो गया, 11 को हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से डॉट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं।